कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है। और हैदराबाद में ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो आज हम आए हुए हैं, तो देखते हैं मतलब आगे जाके और क्या क्या देखने को मिलता है। स्टैंड्री किया हम लोगों ने, और हम लोग ऐसे जो है वीडियो बनाने के मकसद से इस बार नहीं आए थे, ऐसे घूमने के मकसद पे आए थे। तो आया तो सोचा कि चलो बहते हुए गंगा में हाथ पड़ो तो ही लेते हैं। तो अभी देखते हैं और सामने क्या क्या, मतलब काफ़ी बड़ा है। मैं राजस्थान के वो आमेर फोर्ट में भी गया था भाई। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मतलब पीछे का नज़ारा देखो कितना मस्त नज़ारा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वो उधर जाना है ऊपर इस गर्मी में? हाँ जाना है, चलो इधर से जाना पड़ेगा फिर इधर से। देखो इसके बारे में तो उतना नॉलेज मेरा है नहीं, बस दिखाने के लिए आप लोगों को आ गया। देखिए कितना मतलब मस्त एकदम नज़ारा, काफ़ी अच्छा है। मतलब चलिए घूमने के लिए आ सकते हैं इस जगह को। और अंदर बहुत ना कूल है, टेम्परेचर बहुत कूल है। मैं अंदर दिखाता हूँ आप लोगों को, अंदर जब देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। रुकिए एक सेकेंड। हाँ यहाँ से आने के साथ साथ ना टेम्परेचर बहुत कूल हो जाता है। चलिए आगे चल के देखते हो। और फॉरेन लोग भी इधर आते हैं, अमेरिकन टूरिस्ट वगैरह। और इनका आर्किटेक्चर देखो, आर्किटेक्चर ये ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, मतलब सब कुछ। अभी हम जो है वो ऊपर उठने वाले हैं, और मतलब अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा धूप ज़्यादा है। मतलब आज तो धूप की वजह से मतलब उतना आसान नहीं हो रहा है। और ये देखो मेरा वाइफ आगे आगे चल रहा है। और इस तरफ देखो, ये देखिए तोप, ठीक है। पहले के ज़माने में यहाँ पे आग लगाया करते थे और सामने से फ्राम। चलिए देखते हैं। और यहाँ पर कोई ऐसा एक तोप तो है जिसको मतलब रानी विक्टोरिया ने गिफ्ट किया था इंडिया को। यहाँ पे आग लगाया करता था पहले तो, इसके अंदर मतलब एक गोला डालता था, गोला डाल के इसके अंदर डालता था। और ये काटा भी है, पता नहीं किस लिए काटा है, देख सकते हैं। तीन तीन तोप है, ये छोटा, इधर एक इधर एक। तो अभी आ ही गए ऊपर हम लोग, चलो चलते हैं। आजा आजा आजा। यहाँ से देखो हैदराबाद का एक मस्त व्यू देखने को मिलता है। चलो हम जो है पूरा ऊपर उठ के रेस्ट ले रहे हैं हम दोनों। बहुत ऊपर है। हैदराबाद आया और बिरयानी नहीं खाया तो ये तो हो नहीं सकता। तो हमने यहाँ पर जोमेटो से जो एक बिरयानी ऑर्डर कर लिया था, होटल रमान बोल के एक अच्छा होटल है। मेरा एक दोस्त है रोज़ से, वो मतलब हैदराबाद में रहता है, तो उससे मैंने लिया भाई होटल, तो तू बता कौन सा अच्छा होटल जहाँ पर बिरयानी अच्छा मिलेगा। तो उन्होंने बता दिया, तो उस हिसाब से हमने सिर्फ 130 रुपये का बिरयानी ऑर्डर के काफ़ी आना था। उसके बाद हम सीधा चले गए चार मीनार। चार मीनार के अंदर जाने के बाद चार मीनार पे भाई जबरदस्त बारिश हो रहा था, क्या बताऊँ। चार मीनार आए हुए तो यार बहुत ज़बरदस्त बारिश था। तो कैसा लगा चार मीनार आके? अभी क्या करना है तुम्हें? इसको अबाया खरीदना है। आसाम का अच्छा अबाया नहीं मिलता, हर वक्त यूट्यूब पे वीडियो देखता है कि अबाया खरीदना है, अबाया खरीदना है। और इधर मतलब हैदराबाद का वीडियो जब दिखता है तो हैदराबाद में इनको अबाया अच्छा खासा मिल जाता है। तो अभी जो है हम इनके लिए अबाया खरीदेंगे। और आसाम पे जो अबाया मिलता है ना, तो इधर का अबाया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो चलिए अभी अबाया के लिए चलते हैं। पहले आप देख सकते हो इधर हर एक टाइप का मतलब अबाया वगैरह मिल सकता है, ज्वेलरी वगैरह भी है। एंड इधर भी देख सकते हो, ठीक है ना, मतलब आपको किस टाइप का मतलब अबाया चाहिए, हर एक टाइप का अबाया। दुबई ये है, दुबई कलेक्शन बोल के, ये दुबई कलेक्शन बोल के है। ये देखिए हर एक टाइप का अबाया मिल जाता है। ये तो आपने वो ऑनलाइन पे देखा ही होगा, ये मेरा भी ये पसंद नहीं करता है। हर एक टाइप का मतलब मिल जाएंगे, एकदम पूरा जितना भी चाहिए होगा। हैदराबाद चार मीनार एंड गोलकोंडा फोर्ट घूमने के बाद हम सीधा चले गए एयरपोर्ट की तरफ घर वापसी के लिए, क्योंकि हमें फिर 2 हफ्ते बाद फिर हैदराबाद आना है।
तो आज की वीडियो में यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने वाला बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अभी तक AIG हॉस्पिटल के बारे में वीडियो नहीं देखा तो आपको साइड में मिल जाएगा।